गणतंत्र दिवस राहुल गांधी जी का कुछ बयान आया है और दो दिन से एएमयू में जो गतिविधि चल रही है, जिस तरीके का उन्होंने एंटी माहौल वहाँ के बच्चों ने बना रखा है, उसको लेकर के चिंता व्याप्त हुई और हमें लगा कि अब बोलना ज़रूरी है। कारण ये कि इस देश के संविधान ने इन लोगों को फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर जो इन्होंने उसका मिसयूज़ किया है और संविधान का नाम लेकर के ये कुछ भी बोलते हैं, इस पर अब अंकुश होना चाहिए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इस देश में रह रहे 125 करोड़, और ख़ासकर मैं हिंदुओं की बात करूँगी कि ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बात, राहुल गांधी जी के बयान पर मैं आती हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, राहुल गांधी हूँ। तो राहुल गांधी जी से मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, राहुल गांधी जी सावरकर को छोड़िए, गांधी को छोड़िए, पहले ये बताइए अपने बाप के बारे में बताइए। क्या आपको पता है कि आपका बाप कौन था, हिंदू या मुस्लिम? तो फर्स्ट गो एंड सी एंड चेक योर डीएनए। आपको जरूरत है इस बात की, उसके बाद में आप सावरकर की हिस्ट्री देखिए या किसी और की देखिए, ठीक है? राहुल गांधी जी, शर्म आनी चाहिए, जिस मिट्टी में पैदा हुए हो उसको आप मेक इन इंडिया की बजाय रेप इन इंडिया का नारा देते हो। क्यों भूल जाते हो आप निर्भया का केस, जो आपकी सरकार में ही हुआ था और आपकी सरकार में अब तक फैसला नहीं हुआ। निर्भया आज भी तरस रही है इंसाफ के लिए। हालांकि सुनने में आ रहा है कि 16 तारीख को फांसी दी जानी है, लेकिन इतना डिले क्यों? और जबकि आज की सरकार में हैदराबाद जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे हैं, तो राहुल गांधी आपको अभी सीखने की आवश्यकता है। कृपया करके आप जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसके बात को ध्यान में रखते हुए अपना जो आपका कर्ज है, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, जिस जननी पे आप पैदा हुए हैं, उसको निभाइए और उसका सम्मान रखना सीखिए। संस्कार की आपको आवश्यकता है। आप क्या बोल रहे हैं अंटिशंट, आपको पता नहीं है, तो कृपया करके सिद्धांतों पर चलिए। और फाइनली, हिंदू महासभा होने के नाते मैं फिर एक बात कहूंगी कि राहुल गांधी, इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योरसेल्फ, इफ यू आर गोइंग टू स्पीक सच अ अनबिलीवेबल ट्रुथ्स विच आर नॉट फैक्चुअल्स, विच आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्चुअल्स, तो राहुल गांधी जी, आई एम सॉरी टू से that we are real Hindu Mahasabhais sitting in front of the media right now and representing the whole of the nation, representing our Hinduism to the whole of the nation. And we very proudly says, ki if you are Rahul Gandhi, then we are Godses. We are Mahant Dr. Pooja Shukun Godse, Gajendra Ji Godse, Kunj Mishra Ji Godse, Javir Ji Godse. So try to understand, agar aap Rahul सावरकर नहीं है तो हम राजीव से गोड से हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश भक्ति से हटकर अगर आपने कुछ भी कहा, देश के अहित में कुछ भी कहा, इस देश के नागरिकों को लेकर के कुछ भी कहा, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं एएमयू छात्र, आप सबके पास वीडियो मौजूद है, आप ही के माध्यम से मेरे पास भी वीडियो आया है, जिसमें नारे लग रहे हैं कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, बीजेपी की कब्र खुदेगी। देखिए, कब्र तो आप लोग खुद खोदते हो, ये आपके समुदाय का काम है, हमारा नहीं। हम तो फूंक फांक के छुट्टी कर देते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखो बच्चों, अपना भविष्य बनाओ। ये प्रशासन, इस देश का शासन सबके हित के लिए कार्य कर रहा है, इस देश की गवर्नमेंट सबके हित की बात कर रही है, सर्व हित की बात कर रही है, सबके विकास की बात कर रही है। जो इस देश में घुसपैठिए हैं, फिर वो चाहे किसी धर्म के हों, उनको निकाल फेंकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए हो रहा है। आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट है टेक्निकली, आज इस देश में बेचारी का माहौल है, इकोनॉमिकली हम थोड़ी वीक स्थिति में है, उसको अगर सुदृढ़ करना है तो जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा ही होगा। और ये जो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, दैट इज द स्टेप नागरिकता संशोधन बिल जो आया है, वो उसी का स्टेप है। क्योंकि न जाने कितने बेकार के लोग हमारे देश में आकर के हमारी ही नीतियों का फायदा उठा रहे, जो कि
उन पर लागू है ही नहीं, उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है बिकॉज वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। तो ऐसे में वो प्रॉपर लिस्टिंग होना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, जो कि इस देश का नागरिक है, प्राथमिकता उसे मिलनी चाहिए, वह सारे सरकारी लाभ उसे मिलने चाहिए जो इस देश का नागरिक है, घुसपैठियों को नहीं। तो ऐसे में सबको व्यापक सोच रख के और चीजों को इंटेलेक्चुअली समझना होगा, बुद्धिमानी से समझना होगा कि एक्चुअल में ये सबके हित की बात है, किसी एक विशेष धर्म के हित की बात नहीं है। तो एएमयू के बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हो, एक शिक्षण संस्थान में हो, एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को ये हिदायत देती हूँ कि बच्चों अपनी एजुकेशन का, शिक्षा का सही इस्तेमाल करो और व्यापक सोचो और अपना योगदान दो, ना कि इस टाइप की उद्दंडताएं करिए। ऐसा ना हो कि पनिशमेंट्स या दंड आपके लिए इतने भारी हो कि आपका कैरियर और आपका भविष्य और आपका पूरा का पूरा जीवन, यहाँ तक कि आपका परिवार भी खतरे में पड़ जाए। तो यह मेरा एक नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते एक सलाह है एमयू के बच्चों को। अन्यत्र स्थिति में प्रशासन कैपेबल है, शासन कैपेबल है, सत्ताएँ कैपेबल हैं और हम लोग भी बैठे हुए हैं हर तरीके से अपने प्रशासन को सहयोग करने के लिए, शासन को सहयोग करने के लिए। RBS भारत लाइव टीवी पर खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट दें।